नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार में सवाल पूछा गया है क्वेश्चन है कि अ कॉइन प्लेज ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स वेन इट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड इट विल जस्ट क्लिप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी नीड टू फाइंड दिस लोकेशन नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसको देखें कि ये आपकी टर्न टेबल है ये हॉजोन्टल टेबल है और ये लेट से आपकी टेबल ओमेगा नॉट से घूम रही है नाउ इस केस में जब हमने यहाँ पे कॉइन को रखा इस लोकेशन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ नाइन सेंटीमीटर आपका कॉइन स्लिप किया इस केस में इसको रोकने वाला जो है वो है फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू तो एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर उसको ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं तो ये आपके फ्रिक्शन की वैल्यू होएगी सो तो ओमेगा नॉट यहाँ पे अपने को आर पता है विल बी इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर मास उसका एम है नाउ सेकेंड केस में हमें बताना है कि उसको कितनी दूरी पे रखें लेटेस्ट से दिस डिस्टेंस इज एक्स सो सो हम इसको कितनी दूरी पे रखें कि अब ये पार्टिकल आपका स्लिप ना करे उस केस में जब आपने ओमेगा को थ्री ओमेगा कर दिया है सो सेकेंड केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं एम मल्टीप्लाइड बाय थ्री ओमेगा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स सिंस वी नो फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज uh, दोनों का कॉइन uh, और जो आपकी टेबल है दोनों का नेचर सेम है उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी सेम रहेगी इन दोनों को हमने इक्वेट अगर किया तो ये आएगा एम नॉट एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नाइन विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय नाइन ओमेगा नॉट का स्क्वायर इन टू एक्स एम कैंसल हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नाइन विल ऑल्सो गेट कैंसिल तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन सेंटीमीटर सो इट विल बी द राइट आंसर सो ऑप्शन नंबर डी इसकी करेक्ट चॉइस है